हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड, आज देखिए मेरे पास आया है एक iPhone 5s। तो इसमें फ्रेंड दिक्कत है क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत है इस फ़ोन के अंदर, बड़ी अजीब है। तो देखिए, मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ तो फिलहाल अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पावर बटन से प्रेस करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से इसको, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए सीखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फ़ोन को हम रिपेयर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए, अब मैं चार्जिंग प्लग करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, तो अब ये बंद हो जाएगा अचानक ही। देखिए, तो ये अभी आपका लगा है, तो देखिए यहाँ से ये बंद हो गया है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, बंद होने के बाद इसमें कुछ ब्लिंक सी लाइट आ रही है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ब्लैंक आ रही है डिस्प्ले, लेकिन फ़ोन चालू है लेकिन ब्लैंक आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए अभी भी निकाल दिया फिर भी इसमें ब्लैंक लाइट दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड, ये फॉल्ट होगा क्या? ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हमको इसमें बैटरी का डाउट करना है, कहीं बैटरी इसकी हमारी ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। तो आपको पहले आईफोन के लिए एक स्क्रू ड्राइवर आता है, आईफोन का अलग से नीचे के लिए, उसके आपको खोलना है, उसके नीचे का पेज खोलना है। तो ये आपको अलग से स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्क्रू हम खोल देंगे आराम से, निकाल दिए। तो अब हम इसकी फोन को ओपन करेंगे, तो इसके लिए आपको किसी पतले ओपनर का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, इस तरह का ओपनर लीजिए, ये हालांकि सबके पास ही मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से इसको ओपन करना है, इसको उठाना है। आपको नाखून द्वारा भी उठा सकते हो, अपने नाखूनों से या चिमटी से भी ऊपर उठा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आपको उठाना है ऊपर, देखिए यहाँ से। अब ये देखिए, इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। यहाँ देखिए, फिलहाल बैटरी तो फ्रेंड एकदम फ्रेश लग रही है, देखने में ठीक ठाक लग रही है। देखिए, यहाँ दिक्कत नहीं है कोई, मतलब देखिए फ्रेंड फ़ोन बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पर देखिए, मैं अभी चेक करता हूँ दूसरी बैटरी लगा के, यहाँ से इसको लगा देता हूँ, बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं पावर बटन दबाता हूँ, तो देखिए ऑन हो गया है। तो क्या पता बैटरी ख़राब हो उसकी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, अब फिर ये बंद हो गया है। तो अभी भी फ्रेंड वही सेम दिक्कत है, यहाँ पे भी देखिए लोगों मतलब गायब हो के डिस्प्ले ब्लिंक हो गई है। देखिए बैटरी भी लगी पड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे लगी हुई है और डिस्प्ले में हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है। ये तो फ्रेंड ये फॉल्ट होगा क्या? ठीक है, चलिए हम सीखते हैं कि इस फॉल्ट को ठीक कैसे करें। देखिए, मैं वापस इसकी बैटरी लगा देता हूँ, क्योंकि बैटरी फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो बैटरी ठीक है इसकी। तो मैं फ़ोन को अब इसको पैक कर देता हूँ दोबारा वैसे ही। तो देखिए, इस तरह से इसको पैक कर देना है आपको। तो मैं इसका होम, जो हमारा होम बटन है उसका कनेक्टर है, इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड अब पैक कर दिया, तो मैं इसको दबा देता हूँ, यहाँ से डिस्प्ले बिठा देता हूँ, आराम से आपको बिठा देनी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका प्रॉब्लम समझ गया हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम बैटरी नहीं है, तो ये इसको हम सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, शायद सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो देखिए, मेरे पास अभी यहाँ लैपटॉप रखा है, तो मैं इसमें फ़ोन को कनेक्ट करूँगा iTunes से। ठीक है, तो iTunes कनेक्ट करने के लिए आप क्या करना है, तो आपको एक iTunes का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, एप्पल की आईडी से, एप्पल की वेबसाइट से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी इसमें केबल कनेक्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी iTunes खुला हुआ है अभी। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फ़ोन के अंदर, क्योंकि फ्रेंड में आप दिखाया तो कुछ देने रहा है आपको, हम बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बटन दबाओ आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ये एप्पल लोगो स्टार्ट हुआ है, तो ये फिर शायद बंद हो जाएगा। तो देखिए बंद हो गया, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे अपडेट एंड रीस्टोर का ऑप्शन आ गया है, तो हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये स्क्रीन हमारी बंद पड़ी है ना, कोई आईट्यून का लोगो नहीं है। ठीक है, आईट्यून का, ठीक है, देखिए आप कहीं लोगो नहीं है। तो फिर ये देखिए, तो दिक्कत यही है, हम इसे ट्राई करते हैं क्या पता सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपडेट रिस्टोर है, तो मैं इसको अपडेट पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पे देख लिखा हुआ है अपडेट, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर अपडेट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो उसका वर्जन आएगा यहाँ पे, अग्री कर देना है। जो उसका फिल्मवेयर फाइल होती है, जो फिल्मवेयर की फाइल, वो उसमें डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऊपर आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो मैक्सिमम फ्रेंड 2GB का होता है, तो आपको थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर, 15-20 मिनट का। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, चालू है यहाँ, ये MB चालू हो गई है, यहाँ पे 15 मिनट लगेंगे। ये 2.54GB की है और यहाँ पे डाउनलोड हो गई, तो हमें सब वेट करेंगे, 15 मिनट लगेगा, तो हम वीडियो को पॉज कर देंगे क्योंकि फ्रेंड लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए फ़ोन बंद पड़ा है, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अभी ये हमारा फ़ोन जो सॉफ्टवेयर का फिल्मवेयर फाइल है, वो डाउनलोड होने वाली है, 25 सेकंड रह गए, 26 सेकंड रह गए। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 2.8GB यहाँ पे हमारे सेकंड लग गए हैं। तो किस तरह आपको अब फ़ोन को फ्लैश करना है, देखिए यहाँ से भी फ़ोन अभी बंद ही है। ठीक है, या आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है,
कर दे सकते हो। तो फ्रेंड अब ये डाउनलोडिंग हमारी ख़त्म होने वाली है, तो देखिए यहाँ से डाउनलोड प्रोसेसिंग फाइल अब शुरू हो गई है, तो यहाँ पे उसको आप डाउनलोड होने दीजिए। ठीक है, ये देखिए आप कंफर्म हो रहा है, प्रोसेसिंग फाइल दिखा हुआ आ रहा है, ये कंफर्म हो रही है कितनी देर तक चलेगी। ठीक है, तो इसको आप चलने दीजिए जब तक ये अपने आप रुक ना जाए। आप कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, ये ऑटोमेटिक ही अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेगा। तो वेट करते हैं हम इसका। ठीक है, तो फ्रेंड आपने देखी होगी ये दिक्कत जो आ रही है, एप्पल लोगों के बार फ़ोन ब्लिंक हो जा रहा है, तो ये दिक्कत कभी भी आए तो फ्रेंड 100% श्योर ये सॉफ्टवेयर की ही दिक्कत है, सॉफ्टवेयर का, क्योंकि फ्रेंड ये दिक्कत जब आती है जब फ़ोन गिर जाता है हाथों से कस्टमर के, गिरने के बाद ये दिक्कत आती है कि एप्पल लोगों आया कि फ़ोन ब्लिंक हो गया, तो इसमें बैटरी भी हो सकती है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पर फ्लैश हो गया, ऑन हो गया है, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर रीस्टोर का प्रोडक्ट ऑप्शन आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको रीस्टोर पर क्लिक करना है। ठीक है, फ़ोन को फॉर्मेट करना है, तो रीस्टोर कर दिया, फिर यहाँ से फिर रीस्टोर अपडेट भी कर दीजिए, तो यहाँ देखिए रीस्टोर अपडेट हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ से हमारी एक्सट्रैक्टिंग फाइल सॉफ्टवेयर फाइल शुरू हो गई है। ठीक है, अभी डाउनलोडिंग यहाँ तक पूरी होगी तब जाके हमारा सॉफ्टवेयर कम्प्लीट होगा। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ से पूरा हो गया, कन्फर्म होने वाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ से फाइल पूरी डाउनलोड हो गई है। अब प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर सॉफ्टवेयर रिस्टोर लिखा हुआ आ रहा है, इसको सुन देते हैं, वेटिंग फॉर आईफोन, यानी कि अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फ़ोन चालू हुआ, अभी शायद बंद नहीं होगा क्योंकि अब ये डाउनलोडिंग चालू हुआ। तो देखिए यहाँ से अब आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ वेटिंग फॉर आईफोन, अभी देखिए अभी वेरीफाइड आईफोन आ गया। ठीक है, रिपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर रिस्टोर, तो यहाँ से अभी अपडेट होने लगा है, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ से अब डाउनलोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड कभी भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें इस तरह की दिक्कत आती है, बहुत से फ़ोन फ्रेंड होता है आईफोन के कि डिस्प्ले पर एप्पल लोगों आके डिस्प्ले ब्लिंक हो जा रही है, तो वो इसी तरह से ही सही होगी। यहाँ पे रिपेयरिंग रिस्टोरिंग हो रहा है फोन, तो हम इसको होने देते हैं। अब कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, आप बस वेट करिए, आपका फ़ोन रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको पूरा होने दीजिए, जब तक आपका कंप्यूटर से या एप्पल जो आईफोन की फाइलें हट ना जाए जब तक आप वेट करिए, और यहाँ पे डाउनलोडिंग पूरी ना हो जाए। ठीक है, तब तक आप वेट करिए, कुछ मत करिए, हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब वेट करते हैं, इसका होने दीजिए डाउनलोडिंग पे आप। तो आप फ्रेंड आप समझ गए होंगे, आपके पास शायद ये फॉल्ट आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो से देख के समझ सकते हो कि अगर आईफोन में अगर एप्पल लोगो की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एप्पल का लोगो आना जाना, रीस्टार्ट होना, बंद हो जाना, या मतलब ऐसी दिक्कत आना, ब्लिंक हो जाना, तो ये फ्रेंड ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की ही होती है। ठीक है, और दूसरी बैटरी के, पहले तो आपको बैटरी देखनी पड़ेगी, उसके बाद सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने पहले बैटरी देखी, बैटरी से सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद में सॉफ्टवेयर लगाया है, तो सॉफ्टवेयर से ही दिक्कत हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो वेरीफाइड आईफोन सॉफ्टवेयर हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ये आईफोन को कलेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद इसका फर्मवेयर डाउनलोडिंग फाइल हो जाएगी, सब कुछ मतलब हो जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड, मैं आपको बात बता दूँ कि ये फ़ोन सर्विस सेंटर गया था, ये सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि इसमें मदरबोर्ड डलेगा, ये फ़ोन अब डेड हो चुका है। तो फ्रेंड सर्विस सेंटर वाले भी आजकल बहुत उल्लू बना रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और मदरबोर्ड चेंज करने की बात कर रहे थे। ठीक है, और खर्चा भी बहुत दबा के लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो देखिए हमने तो कुछ भी नहीं किया, खाली हम अपने हिसाब से हम सब लोग काम करते हैं, सर्विस सेंटर तक फ़ोन नहीं जान देते हैं, हम वहीं के वहीं रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो कस्टमर भी इतना खर्चा नहीं कर पाएगा, सर्विस सेंटर जितनी आधे रेट मांगते हैं उतना कस्टमर खर्च कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वह मजबूरन शॉप पर आना पड़ता है। तो फ्रेंड वैसे भी ये फ़ोन वारंटी में है, इसलिए सर्विस सेंटर वालों ने उसको गिरने की वजह से रिजेक्ट कर दिया और पैसे मांगने लग गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए रिस्टोर आईफोन फर्मवेयर अब डाउनलोड हो रही है फाइल, देख सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे अभी देखिए डाउनलोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो हम वेट करते हैं इसका। देखिए अभी डाउनलोडिंग चालू हो गई है, मतलब काफ़ी हो गई है, मतलब कंप्लीट फ्रेंड। तो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये रीस्टोर हो रहा है, बस लास्ट हमारा स्टेप है, ये लास्ट ही है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं है,
कन्फर्म तो यही लग रहा है हमें लास्ट है ये, क्योंकि वहाँ पर डाउनलोडिंग पूरी हो चुकी है हमारी, इसलिए हमें कोई लास्ट ही लग रहा है। तो फ्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना है सॉफ्टवेयर करते वक्त, बस चुपचाप बैठे रहना है, ये अपने आप काम खुद ही कर देगा। तो फ्रेंड सबसे आसान सॉफ्टवेयर आईफोन के ही है, एंड्रॉयड का तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग फ़ोन हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आईफोन में सब में सेम ही तरीका है, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड आईफोन में कोई झमेला नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड में क्या किसी का फाइल लो, किसी का ड्राइवर लो, किसी की फ्लैश फाइल, किसी का फिल्म वगैरह, पता नहीं क्या क्या फ्रेंड अलग अलग लेने पड़ते हैं, हैं तो सैमसंग के लिए ऑडियन वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन आईफोन में फ्रेंड बहुत आसान है, खाली आईट्यून लो और सारे के सारे फ़ोन फ्लैश कर सकते हो। इसमें आईफोन में ये फ़ायदा है, ठीक है, और जल्दी भी काम हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए, आप उसी खुशी सॉफ्टवेयर कर दोगे, ठीक है। तो देखिए अब ये वेरीफाइन हो रहा है फ़ोन। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो जो बातें इसमें वीडियो में बताई हैं आप समझ गए होंगे, कभी भी आईफोन में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं सारे वीडियो आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा यहाँ से अब फोन ऑन हो गया, यहाँ से देखिए अब चला गया है। तो मतलब फ्रेंड हमारा फ़ोन अब कन्फर्म हो चुका है, रिपेयर हो चुका है हमारा। तो आप वेट करते हैं एक बार और उसकी डाउनलोडिंग चालू होगी। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप फ्रेंड हो रहा है डाउनलोडिंग का, ये जल्दी हो जाता है, इसमें कोई देर नहीं होती। मैं वीडियो को बढ़ा दूंगा फ्रेंड, फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ से अब ये ऊपर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे देखिए आईफोन कनेक्ट न्यू आईफोन आ चुका है, यानी कि योर आईफोन इज न्यू आईफोन सेटअप हो गया है। तो आप यहाँ से इसको डेटा भी ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब उसको हम देखते हैं यहाँ से, कंप्लीट हो गया है तो मैं अपने फ़ोन को सेंड कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड, आप देखिए एप्पल लोगो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से फ़ोन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड अब हमारा फ़ोन ऑन हो गया। तो देख सकते हो अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई होप आप ये वीडियो देख के आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो, आपसे विदा लेता हूँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।